हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड। आप सबको पता है फ्यूचर ग्रुप में कितनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। अमेजोन इसको फ्यूचर ग्रुप को ब्लेम कर रहा है, फ्यूचर ग्रुप अमेजोन को ब्लेम कर रहा है। एक्चुअल में कौन दोषी है, कौन क्या हो रहा है, सब मिला जुला के ना बहुत ज़्यादा माथा पच्चीस में हो गया है। और अगर मैं बात करूँ तो रोज़ ही दो तीन चार आर्टिकल अगर आज भी मैं गूगल में लिखूँ ना यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप न्यूज़, तो आप देखोगे इतने सारे आर्टिकल रोज़ अपलोड हो रहे। देखिए 21 घंटा पहले, 17 घंटा पहले, 23 घंटा पहले, 14 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 45 मिनट पहले। देखिए एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ द टसल बिटवीन फ्यूचर ग्रुप, जो भी इतना कुछ आ रहा है। देखिए 2 दिन पहले, 7 घंटे पहले। देखिए मतलब एक दिन में पांच पांच सात सात वीडियो बनाने पड़ जाएंगे अगर सब न्यूज़ को आप सबके सामने मैं लिख के आऊँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक दिन में एक वीडियो या 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो डाल देता हूँ फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं ना इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड ही हैं। क्योंकि जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, अभी आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, तो काफ़ी कम टाइम में हमारे 3,000 सब्सक्राइबर के अराउंड पहुंच गए हैं। हम सब 3,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो गए, 3,000 लोग हो गए हैं हम लोग इस फैमिली में। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी इस फैमिली को बड़ा फैमिली बना लेंगे हम। और इस चैनल पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के लिए ही चैनल को बनाया गया है, सब कुछ सीखते हैं। अभी रिलायंस क्यों इतना ज़्यादा टूटा, उसके ऊपर हम वीडियोज़ डाले, हमने वीडियो डाला हुआ है पीछे। तो सपोर्ट कीजिए ऐसे ही देर से यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, हाथ जोड़कर मेरी विनती है ये कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे आपकी क्या क्वेरी है, हम उस क्वेरी को सुलझाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए कोशिश तो हम कर रहे हैं, हम अपने तरफ से पूरी हिम्मत मार रहे हैं, देखते हैं फिलहाल क्या होता है। तो होप करता हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। तो देखिए खबर एक निकल कर आई है, यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइसेस को देख लेते हैं, फिर चलते हैं खबर की तरफ। तो काफ़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है ये, सबको आप सबको बता दूँ। सपोर्ट मिला है फ्यूचर ग्रुप को, और साथ में कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, कुछ देखेंगे कि क्या लेवल्स वगैरह बन रहे हैं। तो एंड तक बने रहिएगा यार, वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो देखिए फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो फ्यूचर रिटेल आज ओपन हुआ था 74 रुपये 55 पैसे पे, और सेम हाई 74 रुपये 55 पैसे का लगा, लेकिन लो 70 रुपये का, थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को यहाँ मिल गई। और अगर मैं बात करूँ अदर एंटिटीज़ की, तो FEL की अगर मैं बात करूँ फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, तो 9 रुपये 50 पैसे पे ओपन हुआ था और हाई लगा 9 रुपये 75 पैसे का, लो लगा है 9 रुपये का, क्लोज 9 रुपये 30 पैसे के पास हो गया। तो देखो आगे क्या होता है, न्यूज़ में काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए है, सब कुछ आगे डिस्कस हम करेंगे। FSC का भी आप सामने देख पा रहे हो 86 रुपये के पास चल रहा है, और FLFL का भी 75 रुपये 95 पैसे के पास चल रहा है, फ्यूचर कंज्यूमर का भी 7 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते, सीधा न्यूज़ पे चलते। देखिए सबसे पहले एक आपको एक मैं यहाँ पे फाउंडेशन के बारे में एक मैं बता रहा हूँ, एक जो कि आपके सामने है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT का सपोर्ट मिला है। इसको कैसे मिला, देखिए फ्यूचर रिटेल का समर्थन, CAIT ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अमेजोन की तुलना वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं, देश के रिटेल कारोबार पे एकाधिकार जमाने का लगाया है आरोप। किसने लगाया है, CAIT ने। देखिए ईस्ट इंडिया के बारे में आप सबको पता है किस तरह से ईस्ट इंडिया हमारे पूरे भारतवर्ष में कब्जा करने के लिए सब व्यापार्स का, सब बिजनेसेस का अधिग्रहण कर रही थी। तो उसके बराबर से किया, यहाँ देखिए अगर मैं देखूँ तो आपको दिखाऊँ तो ये क्या है। देखिए व्यापारियों के संगठन ने कहा भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहती है अमेजन, FDI नीति के उल्लंघन पर भारत में जांच का सामना कर रही है अमेजन, खंडेवाल जी का ये कहना है। तो देखिए रिटेल कारोबार को लेकर फ्यूचर ग्रुप और अमेरिका की दिग्गज कंपनी अमेजोन के बीच जंग तो चल ही रही है। अब रिटेल कारोबारियों का संगठन, जो रिटेल कारोबारियों का संगठन है, एक यूनिटी है रिटेल कारोबारियों का, जिनमें कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT भी इस जंग में कूद गया है। जी बिल्कुल, CAIT क्या कर रहा है, वो फ्यूचर ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है।
देखिए यहाँ पर सीईआरटी ने फ्यूचर रिटेल का समर्थन करते हुए कहा है अमेजोन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। सीईआरटी का कहना है कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को एक एक करके अधिग्रहित किया था और भारतीय व्यापारों पर एकाधिकार कर लिया था, उसी प्रकार अमेजोन भी करे। देखिए बात तो साफ है, अमेजोन को पहले ऑफर किया गया था, वो क्यों नहीं लिया? अब पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, अमेजोन को पहले ऑफर किया गया था, अमेजोन को पहले रिटेल कारोबार, रिटेल किंग जो हमारे फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सबसे पहले अमेजोन को ऑफर दिया था, अमेजोन ने ऑफर रिजेक्ट किया, तब वो रिलायंस के पास गए। अब अमेजोन के अंदर में डर आ गया कि कहीं अगर रिलायंस इसको ले लेता है ना, तो रिलायंस तो ऑलरेडी रिटेल में है, अजियो लगा लो या फिर रिलायंस डिजिटल लगा लो, बहुत कुछ है, वो तो फिर किंग बन जाएगा रिटेल का। और अगर अमेजोन की हम बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा रिटेल का हब है। देखिए आपने बहुत सारी वीडियो में ये सब डायलॉग बाजी सुन लिया है, अब आपको पता है बहुत बड़ा रिटेल हब है भारत, इसलिए अमेजोन आना चाह रहा है, सब कुछ ठीक है। जो काम का मुद्दे का है कि अभी हम क्या करें, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि अभी आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे कई तरह की न्यूज़ है, अमेजोन की वजह से लिक्विडेशन में जाने के लिए मजबूर है फ्यूचर ग्रुप। लिक्विडेशन क्या है आपको पता होगा, दिवालिया। हाल में ही फ्यूचर ग्रुप ने फ्यूचर रिटेल ने बयान दिया था कि यदि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ उनका डील नहीं होता है ना, उनका सौदा पूरा नहीं हो पाता है, तो उन्हें लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, किशोर बियानी जी ने ये बात कही थी कि अगर कहीं सौदा टूटता है, और हमने अपनी वीडियो में भी बताया है, तो उन्हें दिवालिया होना पड़ेगा। इस बयान पर टिप्पणी करते हुए सीएआईटी के महासचिव प्रणीव खंडेवाल जी ने कहा है कि अमेजोन के साथ अधिग्रहण की लड़ाई के कारण भारतीय मूल के फ्यूचर रिटेल समूह को लिक्विडेशन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए अगर ये लिक्विडेशन में जाती है ना भैया, तो 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं फ्यूचर रिटेल में, इतने सारे एम्प्लॉयज़ का जॉब एकदम से चला जाएगा। और अगर नहीं इनके साथ रिलायंस के साथ अगर डील हो जाता है, फिर तो बहुत बढ़िया, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं रिलायंस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ये दिवालिया हो जाती है और कंपनी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो फिर इतने सारे जॉब एक साथ चले जाएंगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। देखिए यह बयान हमें औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को एक एक करके हथिया कर भारतीय व्यापारों के इकोसिस्टम को ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जी बिल्कुल, वैसे भी देखिए हम एक इंडियंस हैं, चाहे हमें अमेजोन ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा, लेकिन हम इंडियन हैं, हमारे दिल में इंडिया बसा है, तो हम चाहते हैं कि जो डील है वो रिलायंस के साथ ही हो, हम कम प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन जो व्यापार, जो पैसा, जो टैक्स रहेगा वो रिलायंस इंडिया में ही रहेगा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं यह कॉरपोरेट के लिए खतरे की घंटी, खंडेवाल जी कह रहे हैं ये कॉरपोरेट के लिए खतरे की घंटी। कैसे है? खंडेवाल ने कहा कि फ्यूचर रिटेल के अधिग्रहण को लेकर अमेजोन की ओर से किए जा रहे प्रयास सरकार और कॉरपोरेट दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इन प्रयासों ने विदेशी फंड वाली मल्टीनेशनल कंपनियों की भारत के रिटेल कारोबार को नियंत्रित करने की कुटिल मंशा को उजागर किया है। देखिए बात क्या है, अगर अमेजोन आ जाता है ना, रिटेल किंग अगर अमेजोन बन जाता है, इंडिया के टोटल रिटेल सेगमेंट पे अगर अमेजोन का हक हो जाता है, तो आप बिलीव करिए आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको कौन सा मोबाइल यूज़ करना, आपको क्या करना, सब अमेजोन के हाथ में हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, उसके बीच में हमें इस तरह से, उसमें इस तरह से डाल दिया जाएगा, इस तरह से एड्स प्लेस किए जाएंगे, इस तरह से हमारे जो फ़ोन्स वगैरह का डाटा बेस है, इस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा कि सब कुछ हम उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीआईटी ने फ्यूचर रिटेल का समर्थन किया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतिया ने कहा कि ऐसे समय में एक भारतीय कंपनी का अस्तित्व दांव पर है। जी बिल्कुल सही है, भारतीय कंपनी जो हमारा फ्यूचर रिटेल है, फ्यूचर ग्रुप है, उनका अस्तित्व दांव पे लगा है, वो ख़त्म होने के कुछ कागार पे। देखिए वो चाहते तो डिफ़ॉल्ट कर जाते जब उनको लॉकडाउन में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में 7,000 करोड़ का लॉस लगा, प्लस अलग से कर्जे वगैरह थे उनके सिर पे, तो फिर तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वो चाहते तो अपना दिवालिया फाइल कर, बैंकरप्सी फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कहें नहीं, हम इसको सेल कर देते हैं बिजनेस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे का तैसा वैसे चलता रहेगा आगे।
तो इन्होंने तो अपने तरफ से एक अच्छी सोच निकाली है। CAIT फ्यूचर रिटेल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। इसका कारण यह है कि फ्यूचर रिटेल एक भारतीय कंपनी है। हालांकि तो यहाँ पे देखिए, हालांकि भारतीय ने फिक्की और CCI जैसे उद्योग संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाया। देखिए ये भी सही है, CCI का रिजल्ट कितने टाइम हो गया है, कितने टाइम हो गया, लेकिन CCI का रिजल्ट, CCI का अपडेट ही कुछ नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मेरा रिश्तेदार फ्यूचर ग्रुप में है, मेरा चाचा फ्यूचर ग्रुप है, मेरा मामा फ्यूचर ग्रुप में है, CCI में ये है, CCI में वो है, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। ऑफिशियल हमें कोई जानकारी मिल ही नहीं रही है। देखिए CCI जैसे उद्योग संगठनों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि संगठन हमेशा भारत में उद्योग और वाणिज्य के पैरोकार होने का दावा करते। खंडेवाला और भारतीय ने किसी भी परेशानी से बचने के लिए किशोर बियानी से आग्रह किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बिरादरी और फ्यूचर रिटेल के आपूर्तिकर्ताओं को जल्द से जल्द भुगतान कर दें। अब देखिए आप सबको पता, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है अमेजोन की और फ्यूचर ग्रुप की लड़ाई। आप सबको पता है 24,700 करोड़ में सौदा रिलायंस का हुआ है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्यूचर कूपन में हिस्सेदारी है उसका, क्या कहते हैं अपना, अमेजोन का। तो ये सब आपको बताया, ये सब ज़्यादा डिटेल में जाकर हमें वीडियो को लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ। यहाँ पर हम चार्ट पे आए और डेली पैटर्न लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी अपने पीवट पॉइंट के पास चल रहा है, ये मंथ ही स्टार्ट हुआ, तो इस मंथ का हम देखेंगे, ये पूरे मंथ का, यहाँ तक देखिए, ये 1 दिसंबर तक का। तो अभी आज मंथ का दूसरा दिन है और यहाँ पे हम देखेंगे तो अपने पीवट पॉइंट के पास चल रहा है। अगर ये 86 रुपये को ब्रेक करके ऊपर जाता है ना, तो हमें बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और अपना ये थर्ड सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस और फोर्थ रेजिस्टेंस को भी टच कर सकते हैं 124 तक। लेकिन देखिए आपको सबको बता रहा हूँ ना मैं कि ये एक क्या है? ये एक न्यूज़ बेस्ड शेयर है। जब तक न्यूज़ेस के ऊपर ये टोटल रन करना है, यहाँ पर हमें जो पीवट पॉइंट्स तो मिल गए हैं, ये तो हमने पिछले मंथ का हाई लो कैलकुलेट करके इस मंथ में निकाल लिया, लेकिन एक न्यूज़ के ऊपर सारा कुछ टिका हुआ है। अभी डील कैंसिल हो जाए एकदम से नीचे आ जाएगा, डील में कुछ सुधार आता है एकदम से ऊपर चला जाएगा। तो फंडामेंटल जरूरी है इसमें देखना। फिर भी एक हम साइट पे चलते हैं इन्वेस्टिंग पर और वहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लेवल्स हम ढूंढ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस चार्ट को मैं अब कर लेता हूँ बड़ा और यहाँ पे SBI का चार्ट लगा, इसको हम लगा लेते हैं फ्यूचर रिटेल का, ठीक है ना। तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का लगा लिया और हम कर देते हैं इसको कैंडल स्टिक, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। हर बार जैसे कि मैंने कहा है कि 60 रुपये के पास इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, 60 रुपये के पास नहीं जाना चाहिए। कल का जो डे है, कल के डे में 2-3 दिनों में हमें ये 80 रुपये को क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए, तभी हमें आगे मजबूती मिलेगी। फिलहाल क्या करना चाहिए, अभी बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ्रेश जो पुराने बायर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनको होल्ड करना चाहिए बिल्कुल शांति से। सब कुछ अच्छा होगा, मन में ये सोच रखना कि सब कुछ अच्छा होगा और सच में अच्छा ही होगा। रिलायंस डील नहीं छोड़ने वाला है जो मर्जी हो जाए। अगर आपने नहीं देखा कि रिलायंस का आज शेयर इतना ज़्यादा डाउन क्यों आया, इतना ज़्यादा क्यों टूटा, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देखिए। कुछ ना कुछ कॉरिलेशन है इन दोनों में, तो अगर आप फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड हैं तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा आई बटन में जाकर। तो मेन यही है, ये हमने एक, ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सपोर्ट जोन बन रहा है इसका, ये सपोर्ट जोन नहीं ब्रेक करना चाहिए और ऊपर जल्द से जल्द हमें यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। तो ये 80 वाला रेंज हमें तोड़ना चाहिए, जल्द से जल्द हमें 80 का ये रेंज तोड़ना, सॉरी तो बहुत टेढ़ा हो गया, ये 80 का रेंज हमें तोड़ना है, ठीक है ना। 80 का लेवल अगर तोड़ देगा तो हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हुआ पड़ा है ये। होप करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अगर कोई आपका फ्यूचर ग्रुप का इन्वेस्टर है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।